Uh, जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्टनर डॉट कॉम के लर्न ऑल इंग्लिश टेंसेज विद एग्जाम्पल्स इन हिंदी एंड उर्दू लेसन में इस लेसन में हम इंग्लिश uh, के तमाम के तमाम टेंसेज सीखेंगे शुरू करते हैं इंग्लिश का जो सबसे पहला टेंस होता है वो है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस ठीक है जी प्रेजेंट सिंपल टेंस जो हम यूजुअली काम कर रहे होते हैं डेली यूज़ के लिए वो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं और बेसिकली कोई भी हैबिट हॉबी डेली इवेंट स्कैजल इवेंट और कोई भी चीज़ ऐसी जो कि आम तौर होती है उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो सिंपल सेंटेंसेस uh, होते हैं वो डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ हम किस तरह लिख सकते हैं आई वर्क इन आ कंपनी मैं एक कंपनी में काम करता हूँ ये एक फैक्ट है ठीक है जी तो इस वजह से मैं इसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करूंगा तो फैक्ट को भी जाहिर करने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं यू वॉच माई tutorials, ठीक है इसके बाद ही अब याद रखें ही शी और इट के जो प्रोनाउंस हैं उसके साथ जो वर्ब है उसके साथ एस लगता है ही वॉक्स इन इवनिंग ही वॉक्स ठीक है इसी तरह शी टॉक्स टू मच वो बहुत ज्यादा बोलती है सही इसी तरह आई यू ही शी इट इट जो है बेसिकली आपका कोई कुत्ता है गाड़ी है कोई भी बेजान चीज है या जो इंसान ना हो उसके लिए फिर आप इट यूज करते हैं इट रनस वेरी फास्ट ठीक है आपकी गाड़ी होगी तो आप कहेंगे आई अ कार इट रनस वेरी फास्ट तो इसके लिए ये देखें कि यहाँ पे ही शी और इट के साथ हम वर्ब के साथ एस ऐड कर देते हैं और उसके बाद जो है बेसिकली आप कह सकते हैं यू पीपल के लिए भी सिंपल यू पीपल वॉच मूवी तो मैं यू का जो प्लूलर है उसको डिस्कस नहीं करूँगा दे दे आ, लेट सपोज दे क्लीन वो साफ करते हैं और we we learn to speak English इंग्लिश तो ये sab सब, सब जो hain हैं डिफरेंट ke के साथ present simple सिंपल uh, tense के simple examples हैं इसके बाद हम देखते हैं कि जब हमने निगेशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस को लिखना हो तो फिर हम किस लिखते हैं इसी चीज को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया ठीक है और ये देखें I work in a company. I do not work in a company. लेकिन इसके लिए अच्छा ये होता है कि हम इसको लिखें I don't, ठीक है शॉर्ट करके आप देखेंगे कि जो नेटिव स्पीकर है वो डोंट कहता है आई डोंट वर्क इन a कंपनी यू वॉच माई ट्यूटोरियल्स यू डू नॉट या यू डोंट वॉच माई ट्यूटोरियल्स ही वॉक्स इन द इवनिंग अब देखिये यहाँ पे ही वॉक्स है तो जब हम इसका निगेशन बनाएंगे तो हो जाएगा ही डज नॉट वॉक इन द इवनिंग और जिससे हमने ये इसका शॉर्ट फॉर्म यूज किया था तो आमतौर पे बोलने में हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं और वो है ही डजेंट शी डेंट ही शी और इट के साथ डजेंट आएगा ही डजेंट वॉक इन द इवनिंग शी टॉक्स टू मच शी क्या यहां पे आप लिखेंगे बिल्कुल ठीक शी doesn't. फिर टॉक आ जाएगा ठीक है S हट जाएगा वो आपके साथ शी doesn't टॉक टू मच इट runs फास्ट इट डजेंट रन वेरी फास्ट दे क्लीन दे डोंट क्लीन वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश वी डोट लर्न टू स्पीक इंग्लिश अब हम इसको ही देखते हैं कि इसका इंट्रॉग्रेटिव फॉर्म यानी कि सवालिया फॉर्म हम किसा बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का तो आई वर्क इन अ कंपनी सिंपल टेंस है आई डो नॉट वर्क इन अ कंपनी निगेशन था और do i work in a company question mark or और do you watch वॉच और ये jo जो है छोटा हो जाएगा do you watch my tutorials? question marks तो ye आपका इंटरग्रेटिव फॉर्म बन गया है और ही वॉक्स इन द इवनिंग और अगर आपने सवाल पूछना है तो डज ही वॉक इन द इवनिंग शी टॉक्स टू मच इसका क्या बन जाएगा ड शी टॉक टू मच ठीक है फिर याद रखें कि आपने एस को हटाना होता है डज शी टॉक टू मच इट ट्रांसफर वेरी फास्ट डज इट रन वेरी फास्ट अब आप सवाल पूछे हैं दे क्लीन डू दे क्लीन और वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश डू वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश क्या है हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो ये बेसिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ तीनों फॉर्म्स थे अब हम देखते हैं जो सेकंड टेंस है इंग्लिश का वो है प्रेजेंट कॉन्टिनस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है कोई भी काम अगर हो रहा है ठीक है वो पास्ट में शुरू हुआ और अभी हो रहा है इट्स हैपनिंग ठीक है पास्ट को मैं जिक्र नहीं करता बल्कि कोई भी काम जो हैपनिंग हो रहा है अभी हो रहा है चल रहा है टाइम uh, लाइन पे वो उसके लिए फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं तो सिंपल हम वही एग्जांपल्स लेते हैं कि आई वर्क इन अ कंपनी हो जाएगा आई एम वर्किंग इन अ कंपनी ठीक है और आई एम को शॉर्ट करके हम आमतौर पे बोलते और ऐसे हैं और जो इनफॉर्मल राइटिंग है उसमें हम लिखते भी ऐसे हैं आई एम वर्किंग इन अ कंपनी यू वॉच माय ट्यूटोरियल्स यू आर क्योंकि अभी आप देख रहे हैं वॉचिंग माय ट्यूटोरियल्स ही शी और इट के साथ पे हम इज लगाते हैं ही इज वॉकिंग ही इज वॉकिंग आप इन द इवनिंग बेशक काट दें इज वॉकिंग शी इज क्योंकि एक कोई बात कर रही है और बहुत ज्यादा ही बातें रही है तो मैं कहूंगा शी इज टॉकिंग टू मच इट इज रनिंग वेरी फास्ट मैं अभी गाड़ी चला रहा हूं और वो बड़ी जबरदस्त स्मूथ जा रही है और तेज जा रही है मैं कहूंगा इट इज रनिंग वेरी फास्ट और इट इज की जो शॉर्ट फॉर्म है बेहतर यह है कि मैं इसको इस तरह बोलूं और लिखूं इट्स रनिंग वेरी फास्ट ठीक है जी दे क्लीन दे आर क्लीनिंग टू स्पीक इंग्लिश और क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं वी आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश क्योंकि ये चीज अभी हो रही है सही तो ये हमारा जो था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल जो टेंस है सिंपल सेंटेंसेस में है अब निगेश में या नेगेटिव फॉर्म में इसको देखते हैं I am working in a company. I am not working in a company. I am not working in a company. You are not watching my tutorials. He is not walking. Very good. She is not talking too much. It is not running too fast. It's not running very fast. They are not cleaning and we are not. लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश ठीक है इसके नेगेटिव फॉर्म के बाद अब हम देखते हैं जो है इंटरग्रेटिव फॉर्म आ, यानि के जो सवालिया फॉर्म है वो किस तरह बनेगी आई एम वर्किंग इन अ कंपनी तो ये सिंपल जो एम है ये शुरू में आ जाएगा तो सवालिया निशान के लिए हम पूछते हैं एम आई वर्किंग इन अ कंपनी ठीक है और इसकी शॉर्ट फॉर्म उस तरह नहीं होती आई एम जिस शॉर्ट फॉर्म है आई एम आई वर्किंग इन अ कंपनी और यू आर वॉचिंग आर यू वॉचिंग मूवी अब आप सवाल पूछे हैं क्या तुम मूवी देख रहे हो आर यू वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स इज ही वॉकिंग ठीक है जी अब सवाल या निशान के लिए आप आखिर में क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं और याद रखें कि फिर जो प्रोनाउंस है उनको आपने छोटा भी करना है शी को अब हम एस छोटा करेंगे शी टॉकिंग टॉकिंग टू मच का टी डाल जी और इसी तरह ये हो जाएगा इट इज रनिंग वेरी फास्ट से इज इट सिर्फ आपने जो है थोड़ा सा प्लेसिंग करनी है इट इज की जगह इज इट ट्रेनिंग आर दे क्लीनिंग दे आर क्लीनिंग आपने वर्ब को शुरू में ले आने है और वो हो जाएगा आर दे क्लीनिंग वी आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश तो सिंपल आप मुझे बताएं इसका क्या बनेगा बिल्कुल ठीक वेरी गुड आर वी लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश ठीक है तो ये हमारा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अब हम चलते हैं अपने आई फैक्शनर डॉट कॉम के थर्ड टेंस की तरफ इंग्लिश के और वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्वेंटी चलो ना यार नार टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इस तरह का टेंस होता है जो कि आपका पास्ट में शुरू हुआ ठीक है और जब हम बात कर रहे हैं तो वो उस वक्त हो रहा है और जब हमारी बात खत्म होगी तो वो जो हमारा काम है वो होता रहेगा सही पास्ट में शुरू हुआ अभी हम बात कर रहे हैं तो वो हो रहा है और अभी होता रहेगा इसकी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं अब देखें आई एम वर्किंग इन कंपनी मैं अगर ये कहूँ कि मैं कंपनी में पिछले दो साल से काम कर रहा हूं ठीक है यानी कि दो साल पहले मैंने काम करना शुरू किया अभी भी मैं कर रहा हूं और फ्यूचर में भी करता रहूंगा तो उसके लिए अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की फॉर्म को बनाने के लिए हम कहेंगे I have been working in a company for two years. ठीक है I have been working in a company for two years. और अगर मैं ये कहूँ कि मैं 2015 से एक कंपनी में काम कर रहा हूँ तो फिर हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग इन आ कंपनी Since 2015, जब आपने स्पेसिफिक टाइम बता दिया कि मैं इस 12 बजे से काम कर रहा हूँ 2015 से काम कर रहा हूँ तो फिर आप सिंस यूज करते हैं ठीक है और जब आप ये बताएं कि यार मैं दो घंटे से काम कर रहा हूँ दो महीनों से काम कर रहा हूँ एक्सक्यूज मी या फिर दो सालों से काम कर रहा हूँ तब आप फिर फॉर लगाएंगे जब आप स्पेसिफिक टाइम ना बताएं वो यूज जो सुनने वाला है उसको खुद कैलकुलेट करना पड़े अच्छा ये दो सालों से काम कर रहा है तो इसका मतलब ये 2015 से काम कर रहा होगा ठीक है और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर ये हो कि आप मेरे ट्यूटोरियल्स पिछले दो घंटों से देख रहे हैं तो आप लिखेंगे यू हैव बीन वॉचिंग माई आईनल ट्यूटोरियल्स फॉर लास्ट टू आवर्स ठीक है और अगर आप पांच बजे से देख रहे थे तो फिर आप लिखते हैं यू हैव बीन वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स सिंस फाइव ओ क्लॉक इन द इवनिंग या जो भी है आप ये लिख सकते हैं ठीक है तो सिंस क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड बता दिया है फाइव ओ क्लॉक तो इसलिए सिंस आ गया लेकिन पिछले दो दो तो घंटों से देख रहे हैं तो फिर आपने फॉर लगाना है अब हम कहते हैं कि वो सुबह से चलता जा रहा है ही हैज बीन वॉकिंग वो चार घंटों से चल रहा है ही हैज बीन वॉकिंग फॉर फॉर आवर्स ठीक है अब ये देखें कि आपको सिंस ऑफ फॉर का भी पता होना चाहिए शी इज टॉकिंग टू मच तो आप कहेंगे शी बीन अब देखें कि ही शी और इट के साथ हैज लगेगा ठीक है ही शी और इट के साथ जो है वो हैज लगेगा और जो आपका है I, you, they, और वी के साथ हैव लगेगा ठीक है शी इट के साथ हैज शी हेज बिन टॉकिंग टू मच फॉर लास्ट थर्टी मिनट्स या शी हेज बिन टॉकिंग टू मच सिंस आफ्टरनून आप कह सकते थे अगर आपने सही टाइम पीरियड बताना है इट इज रनिंग वेरी फास्ट को आप लिखेंगे इट हैज रनिंग फास्ट फॉर लास्ट टेन मिनट पिछले दस घंटों से ये बहुत तेज भाग रहे ठीक है दे आर क्लीनिंग दे हैव बीन क्लीनिंग सिंस लास्ट नाइट किसी ने अपना घर छोड़ना है और अगर उन्होंने घर को साफ ना किया तो उनपे जुर्माना होगा और इसलिए वो रात से ही क्लीनिंग कर रहे हैं वी आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश हम एक महीने से अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं तो इसका क्या बनेगा वी हैव बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर वन मंथ ठीक है आप ये कह सकते थे कि सिंस जनवरी ठीक है जी तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल uh, जो हमारे टेंस सेंटेंसेस होते हैं अब हम देखते हैं कि नेगेशन में या नेगेटिव में हम इसको किस तरह लिखेंगे आई हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी आई हैव नॉट आई हैव नॉट बीन जी आई हैव बीन नहीं. आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर two years. आई हैव नॉट

He has been working, he has J very good. He has not been working since morning. Or is the short form he hai, hai, hasn't. He hasn't been working. She hasn't been talking. It hasn't been learning. Take? She has not been talking too much for the last 30 minutes. It has not been running very fast for last 10 minutes. And they have Not been cleaning since last night. और उसी तरह मैंने आपको बताया कि इसके इन सब के साथ आप हैवेंट या हेजेंट लगा सकते हैं ही शी और इट के साथ हेजेंट लगेगा बाकीयों के साथ हैव नॉट बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर लास्ट वन मंथ तो ये हो गया जी बेसिकली हमारा निगेशन अब हम देखते हैं इंटरग्रेटिव फॉर्म यानी कि सवालिया फॉर्म क्या है फॉर्म सिंपल हो जाएगा हैव को आपने शुरू में ले जाना है ठीक मतलब, है किसी को मतलब कोई दिमाग पे चोट लगी अब वो होश में आए तो पूछे क्या मैं इस कंपनी में दो का सालों से काम कर रहा हूं और इसी तरह हैव आई बीन वर्किंग इन कंपनी सिंस 2005 और हमेशा याद रखें जो सवालिया जुमले होते हैं उनके आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है have, इसी तरह ये हैव जो है ये शुरू में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा हैव यू बीन वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स फॉर लास्ट टू आवर्स याद रखें कि जब सब्जेक्ट uh, बाद में आते हैं तो उसकी ये जो है शुरू का लेटर छोटा हो जाता है अच्छा जी हेज़ ही हैज़ बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग तो आप पूछेंगे हैज़ ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग इसी तरह नेक्स्ट जल्दी से बताइएगा जी हैज़ शी बीन टॉकिंग टू मच फॉर लास्ट थर्टी मिनट्स क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क अगर मैं क्वेश्चन मार्क भूल जाऊँ तो आप लगा लीजिएगा

प्रेजेंट का चौथा फॉर्म है वो है टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक okay. है अब एक काम हो चुका है पास्ट में वो शुरू हुआ और अब वो खत्म हो चुका है तो उसके लिए या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं या फिर हम पास्ट सिंपल टेंस भी यूज करते हैं जो कि हम नेक्स्टिजन पेज uh, पे डिस्कस करेंगे तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उस वक्त यूज करते हैं जब कोई स्पेसिफिक टाइम ना हो ठीक है और जब स्पेसिफिक टाइम हो जाए तब हम फिर पास सिंपल टेंस यूज करते हैं तो ये दोनों जब काम खत्म हो चुका है उसको बताते हैं लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप उस वक्त यूज करते हैं जब कोई स्पेसिफिक टाइम ना हो तो अपनी जो है एग्जांपल्स के लिए मैं स्टॉरी एक दफा मुझे ऊपर जाना पड़ रहा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारे टाइपिंग में टाइम जया ना हो और अब हम करेंगे इन जुमलों को चेंज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो सिंपल यह है कि आई वर्क इन अ कंपनी प्रेजेंट सिंपल टेंस है और अगर आप कहें आई हैव वर्कड इन अ कंपनी ठीक है अब ये रेगुलर वर्ब है इसलिए इसके, इसके आखिर में मैंने ई डी या लगा दिया तो इसकी थर्ड फॉर्म बन गई तो ये हो गया आई हैव वर्कड इन अ कंपनी यू हैव वॉच्ड माई ट्यूटोरियल्स ही हैज ऑलरेडी वॉक्ड टाइम पीरियड नहीं हम इसमें डालेंगे

कोई मसला नहीं आप जाओ वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश जब आप सीख जाएंगे तो आप कहेंगे वी हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश ठीक है अब ये देखें कि यहां पे लर्न नहीं आया यहां पर आगे हैंग्लिश लर्ट इसलिए आया है क्योंकि यह इेगुलर वर्ब है रेगुलर वर्ब्स के डिफरेंट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनाने के तरीके होते हैं तो वो आपको याद करने पड़ते हैं ठीक है जिसमें ये है रन 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 तो यहाँ पे मैंने रंड नहीं लिख दिया ये भी रेगुलर वर्ब है टॉक्ट वॉकड वॉचड वर्कड ये जो है रेगुलर वर्ब्स हैं अच्छा जी तो अब हम देखते हैं कि इसकी नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं निगेशन में नफी में हमने किस तरह बनाना है इसको सिंपल उसी तरह आप हैव आई वर्क इन अ कंपनी लिख देंगे क्या मैं एक कंपनी में काम कर चुका हूँ हैव यू वॉचड माई ट्यूटोरियल्स अगर मैं आपसे पूछूँ रात के टाइम कि भाई आपने मेरे ट्यूटोरियल्स देख चुके हैं कि नहीं देखे देख चुके हैं तो आपके मैं पूछूंगा ट्यूटोरियल्स क्योंकि मैं बहुत फेमस हूँ हैव यू वॉच दाई टियल ठीक है मैं अगर ये शो कि भी मैं बड़ा फेमस हूँ आई एम वेरी फेमस ऑन यूट्यूब हैव यू वॉचड माई टिटोरियल ठीक है तो सब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे इसी तरह आप यूज करेंगे ऑलरेडी वॉकड क्या वो पहले से चल चुके हैं यार तो इसी तरह हैज़ शी टॉक् टू मच तुम्हारा दिमाग खा लिया ना हैच और फिर कोई जीत जाए रेस में तो मैं पूछूंगा हैज इट रन वेरी फास्ट क्या ये बहुत तेज दौड़ा था जो जीत के घोड़ा दे हैव ऑलरेडी क्लींड तो इसका जो है शुरू में आ जाएगा क्लींड और इसी तरह ये जो है आपका बन जाएगा वी लर्न एल एन टी टू स्पीक इंग्लिश सवाल या निशान अच्छा तो बीच में तो मैंने आपको नेगेटिव फॉर्म बताई नहीं है तो मैंने आपको कौन सी फॉर्म बता दी सवाल यह फॉर्म बता दिया। अब हम देखते हैं कि इसकी नेगेटिव फॉर्म हम किस तरह लिखते हैं आई हैव worked इन अ कंपनी आई हैव नॉट वर्कड इन अ कंपनी और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है हैवंट और बोलने में मैंने जिसने आपको बताया है कि हम बोलते हैवंट ही है आई है कंपनी You have watched my tutorials. You haven't watched my tutorials. He has already walked. He hasn't already walked. She has talked too much. She hasn't uh, talked too much. It has run very fast. It hasn't run very fast. They have. ऑलरेडी They दे या दे हैव नॉट ऑलरेडी cleaned. ठीक है उन्होंने अभी तक सफाई नहीं की है वी हैव learnt. वी हैवेंट लर्न टू स्पीक इंग्लिश ठीक है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ जो कि है पास्ट सिंपल टेंस पास सिंपल टेंस जो सिंपल पास में काम हो चुका है किसी स्पेसिफिक टाइम के रेफरेंस के साथ तो आमतौर तो पे पास सिंपल टेंस हम उस वक्त यूज करते हैं लेकिन ये जो क्योंकि एग्जांपल्स हम पहले से देख रहे हैं तो इसलिए हम सिंपल आपको मैं बता दूंगा कि पास सिंपल टेंस इस इन एग्जाम्पल्स में किसना बनता है आई वर्कड इन अ कंपनी मैंने एक कंपनी में काम किया है या मैंने एक कंपनी में काम किया ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था मैं एक कंपनी में काम कर चुका हूं मैंने एक कंपनी में काम किया आई वर्क इन अ कंपनी तुमने एक मूवी देख आपने मेरे ट्यूटोरियल्स देखे यू वॉच्ड माय ट्यूटोरियल्स वो चला ही वॉक्ड उसने बहुत बातें की शी टॉक्ट वो बहुत तेज भागा इट रैन वेरी फास्ट रन रैन रन ठीक है क्योंकि ये अब बेसिकली आपका ए रेगुलर वर्ब है तो इसके लिए मुझे याद करना पड़ा है कि रन की सेकेंड फॉर्म रैन होती है थर्ड फॉर्म रन होती है दे हैव ऑलरेडी क्लीं दे वी हैव लर्न वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश तो ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया अब हम इसकी देखते हैं नेगेटिव फॉर्म नेगेटिव फॉर्म में पास सिंपल में जिस तरह था इसके प्रेजेंट सिंपल की कि आई डू नॉट वर्क पास्ट सिंपल में हम कर देंगे आई डिड नॉट वर्क इन अ कंपनी और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म बोलने में खासतौर पे हम यूज करते हैं वो है डिडेंट आई डिडेंट वर्क इन अ कंपनी यू वॉच्ड माई ट्यूटोरियल्स यू डिडेंट डू नॉट डिड नॉट भी आप लिख सकते हैं और डिडेंट भी लिख सकते हैं दोनों ठीक है यू डिडेंट वॉचड अपनी आएगा अब आ जाएगा यू डिडेंट वॉच माई ट्यूटोरियल्स क्योंकि डिड जो है वह डू की सेकेंड फॉर्म है तो जब आप एक सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो फिर वर्ब के ऑग यानी कि ऑगज के आप अगर सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो मेन वर्ब में फिर आप प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे ही वॉकड

डिडेंट लर्न टू स्पीक इंग्लिश अब देखें कि जो पास सिंपल टेंस है वो ज्यादा आसान है उसकी नेगेटिव फॉर्म लिखना प्रेजेंट सिंपल टेंस के फॉर्म से अगर मुवजना करें क्यों क्योंकि उसमें हमें देखना पड़ता है कि वह डू लगाना है कि डस लगाना है इधर आपने सिर्फ डिड लगाना है डिड डिड ठीक है तो ये ज्यादा आसान है अच्छा अब हम इसकी देखते हैं इंट्रोग्रेटिव फॉर्म सवालिया फॉर्म तो इसकी इंटरोग्रेटिव फॉर्म जो होगी वो होगी डिड आई वर्क इन अ कंपनी क्या मैंने कंपनी में काम किया था पिछले जन्म में यू वॉच्ड माई ट्यूटोरियल्स डिड यू वॉच माई ट्यूटोरियल लास्ट नाइट ठीक है क्योंकि अच्छी बात है कि आ, आ, मतलब प्रेजेंट पासपल टेन से मुस्तुबक यूज करते हैं जब हम टाइम का रेफरेंस दे रहे हो तो यहां पर बेहतर यही था कि मैं हर चीज का टाइम का रेफरेंस देता ही वॉकड डेट ही वॉक इन दिनिंग रात हो चुकी है मैं पूछूं क्या वो उसने शाम को चला था कि नहीं चला था डिड शी ठॉक टू मच हाँ भाई बताना यार बहुत ज्यादा बोली है ना इसका नहीं पूछते तो ये वो है इट रन वेरी फास्ट डेड इट रन वेरी फास्ट क्वेश्चन मार्क दे क्लिन डेड डे क्लीन वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश इसको बोल्ड को खत्म कर देता हूं तो मैं कहूंगा डेड वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश तो यह था हमारा जो पास्ट सिंपल टेंस अब हम जाएंगे अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह तरफ जिस तरह हम गए थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस तो पास्ट में कोई आ, कब हम यूज करते हैं जब पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और जब जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो वाला एक्शन चल रहा था और फिर वो सॉरी पास्ट में ये मेरे पास ना जर्मन की है इस वजह से मुझे टाइपिंग में थोड़ी मस्ती और मसला हो रहा है और वो पास्ट में कंटिन्यू ड्रा पास्ट में ही आपका एक्शन शुरू हुआ वो चल रहा था और जब जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी वो चल उसके बाद भी चलता रहा पास्ट में तो उस वक्त हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं तो मैं क्या करता हूँ सिंपल प्रेजेंट जो कंटीन्यूस टेंस की एग्जांपल्स थी हमारी उनको सबको कॉपी कर लेता हूँ हाँ ताकि हमारी टाइपिंग में टाइम न जाया और जल्दी जल्दी अब हम पास्ट कंटिन्यूस को डिस्कस करते हैं टाइम कम है मुकाबला सख्त है तो वो हैपन हो रहा था जब हम बात करें हैं पास्ट की तो ये है आई एम वर्किंग इन अ कंपनी तो ये क्या होगा आई वॉज इन वर्किंग इन अ कंपनी बैक दैन किसी वक्त की मैं कहानी सुना रहा हूं तो मैं कहूँगा आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी बैक दैन ठीक है इसको खत्म कर देते हैं When आई खेम जब मैं आया यू आर वॉचिंग You यू आर वॉचिंग मूवी when आई खेम यू आर वॉचिंग माई tutorials when आई खेम और आमतौर पे देखें कि आपका जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कोई एक और एक्शन जो है जो पास्ट में एक्शन हो रहा था एक छोटे एक्शन ने उसको डिस्टर्ब किया यू आर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल टेंस और किसने डिस्टर्ब किया मैंने आपको डिस्टर्ब किया वेन आई केम ही वॉज वॉकिंग टेंस किसने उसको डिस्टर्ब किया वेन इट स्टार्टेड टू रेन ठीक है एक एक्शन हो रहा था और एक छोटे एक्शन ने उसको दरमियान में डिस्टर्ब किया और फिर वो बड़े वाले एक्शन होता रहा ठीक है शी वॉज टॉकिंग टू मच वेन आई सेड प्लीज स्टॉप बहुत ज्यादा बातें कर रही थी जब मैंने इंटरप्ट किया उसको रोका यानि वेन आई सेट प्लीज स्टॉप इट वॉज रनिंग वेरी फास्ट यानी गाड़ी बड़ी तेज जा रही थी जब टायर बर्स्ट हो गया इट वॉज रनिंग वेरी फास्ट वेन द टायर बर्स्टेड दे वर्क क्लीनिंग वेन आई विजिटेड ठीक है वो क्लीन कर रहे थे जब मैंने उनको विजिट किया तो यह मैं सिर्फ इसलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं कि आपको पता हो कि बड़े वाला जो एक्शन होता है जो चलता रहता है क्योंकि मैंने तो विजिट किया उसके बाद भी वो क्लीन करते रहे वो फिर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रहता है और जो छोटा एक्शन होता है वो आपका पास्ट सिंपल टेंस में आ जाता है वी We वर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश एट दैट टाइम कोई भी टाइम हो सकता है ठीक है इसमें आप एक्शन नहीं है लेकिन एक रेफरेंस है टाइम का ठीक है नेगेटिव फॉर्म आई वॉज नॉट वर्किंग इन अ कंपनी यू वार नॉट वॉचिंग आगे आप अक्लमंद है आप खुद भी सब चीजें लगा सकते हैं यू वर नॉट वॉचिंग माई टियल्स यू वॉज नॉट वर्किंग

नॉट को वॉज नॉट को शॉर्ट करके साथ लिख सकते हैं तो मैं इसको ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे वरेंट इट वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट इट वॉज इंट रनिंग वेरी फास्ट दे वरेंट या दे देर नॉट क्लीनिंग वी व नॉट लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश वी वरेंट भी आप लिख सकते हैं वी वरेंट नॉट लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश अब हम देखते हैं इसका पास कंटिन्यूस टेंस का इंटोग्रेटिव फॉर्म यानि फॉर्म सवालिया में आएगा एम की जगह वॉज आय वर्किंग इन अ कंपनी वॉचिंग माई टिटोरियल्स

Tense. तो वो डिस्कस करने के लिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो मेरी एग्जांपल्स थी वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि हमारे टाइपिंग में जो है टाइम जया ना हो अच्छा जी अब हमने डिस्कशन करनी है अपने किसकी पास्ट पर फैक्ट टेंस की तो जिसना पेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है कि आपका एक एक्शन हो रहा है पास्ट में एक यानी एक्शन हो रहा था ठीक है और एक छोटा एक्शन मतलब उस वक्त बेसिकली आपने बताने कि वो जिस जिस वक्त के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बाद भी वो एक्शन होता रहा यानी कि आई हैड बीन वर्किंग इन अ कंपनी आई हैड बिन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर टू ईर्स वैन यू विजिटेड मी ठीक है पास्ट में मैंने बताया कि मैं दो साल से कंपनी में काम कर रहा था वैन यू विजिटेड मी ठीक है या फिर इसको आप इस भी लिख सकते हैं कि आई हैड बिन वर्किंग इन अ कंपनी सिंस टू थाउजेंड फिफ्टीन वैन आई गॉट आ न्यू Offer. Yeah, when I was मैं दो में पंद्रह से काम कर रहा था जब मुझे प्रमोशन मिली ये ठीक है अब हैव की जगह सिर्फ आपने हेड लगा दिया और उसमें छोटा एक्शन साथ बता दिया कि कब हुआ था ये पास परफेक्ट में ये होता हाँ, क्योंकि कहानी सुना रहे होते हैं ना आप कि मैं उस वक्त ये कर रहा था सुबह से जब मेरे अब्बा ने मुझे पकड़ लिया ठीक है तो ये अब कहानी हम सिंपल सिर्फ इसको एग्जांपल्स देख लेते हैं यू हैड बीन वाचिंग माय ट्यूटोरियल्स फॉर लास्ट टू आवर्स ठीक है या सिंस टू मॉर्निंग और आगे आपने बताना है कि क्या हुआ तो आप खुद बता दें ही हैड बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग फॉर फोर आवर्स शी हैड बिन अब देखिए ये ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें हैव और हैज का हमें डिफरेंस नहीं देना पड़ रहा इसमें हमने सिर्फ हैड 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 है इट हैड बीन रनिंग वेरी फास्ट फॉर लास्ट टेन ईयर्स दे हैड बीन क्लीनिंग सिंस लास्ट नाइट वी हैड बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर वन मंथ इसी तरह इसकी जो नेगेशन है या नेगेटिव फॉर्म है उसमें आपने हैड आई हैव नॉट बीन आई हैव बीन नॉट वर्किंग तो इसमें हो जाएगा आई हैड नॉट बीन वर्किंग ठीक है आई हैड नॉट बीन वर्किंग यू हैड नॉट बीन वर्किंग ऊपर भी यही होना था आई हैव नॉट बीन वर्किंग ठीक है यू हैड नॉट बीन वर्किंग वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स फॉर लास्ट टू आवर्स ही हैड वो नहीं देख रहा था वो सुबह से नहीं चल रहा था यार ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग और यहां पे हैडेंट आएगा

ड नॉट बीन क्लीनिंग सिंस लास्ट नाइट और इसकी शॉर्ट फॉर्म हुई हैड नॉट बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर वन मंथ वेन द न्यू टीचर केम ठीक है इसमें हमें बताना पड़ता है कि क्या हुआ फिर पास्ट में पूरी कहानी सुनानी है ठीक है इन सेंटेंसेज में भी आपने कोई ना कोई कहानी ज़रूर ऐड करनी है और अब हम देखते हैं इसकी सवालिया फॉर्म आ, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कंपनी फॉर टू इयर्स व्हेन आई वाज फायर्ड ठीक है क्या मैं उस वक्त दो साल दो सालों से काम कर रहा था कंपनी में जब मुझे फायर कर दिया गया

डिपार्टमेंट वॉज शिफ्ट ठीक है जब क्या मैं दो साल से काम कर, दो हजार पंद्रह से काम कर रहा था कंपनी में जब हम हमारा डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गया था ठीक है इस तरह आप कहानी बनाते हैं तो अब मैं सिंपल आपको बता देता हूँ हैड यू बीन वॉचिंग माई टू टू यास्ट टू आवर्स वेन यूर कंप्यूटर क्रैश ठीक है तो इसका आप पूछते हैं हेड ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग when his mother came, had she been talking too much for last 30 minutes, when you told her to stop? ठीक है जी आगे हैड इट बीन रनिंग वेरी फास्ट फॉर लास्ट टेन मिनट्स when इट गॉट टायर्ड ठीक है पूरी कहानी सुनाएं कि क्यों इसमें आपने पूरी कहानी सुनानी है जुमला पूरा करने के लिए लेकिन ना भी सुनाए तो भी ठीक ही है दे ये बीन मैंने ऊपर भी गलती की होगी हैड दे बीन क्लीनिंग सिंस लास्ट नाइट और हैड वी बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश सिंस जनवरी अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टेंस जो कि है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस आसानी के लिए वही काम करते हैं शॉर्टकट मारते हैं कभी कभार जिंदगी में जरूर शॉर्टकट मारें, क्योंकि उससे आपका आसानी हो जाती है जिस तरह मुझे ये आसानी होगी कि मैंने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए oh. हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए जो मैंने चीजें लिखी थी उनको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस में और अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसमें सिर्फ आपने कहना है हैव की जगह हैड लगाते जाने हैं आई हैड वर्कड इन अ कंपनी ठीक है एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया था आई हैड वर्कड इन अ कंपनी व्हेन आई वेंट अब्रॉड मैं कंपनी में काम कर चुका था व्हेन आई वेंट अब्रॉड जो, जो दूसरा टेंस है वो देखे पास सिंपल में आ रहा है यू हैव वॉचड माई ट्यूटो यू हैव ऑलरेडी वॉचड माई ट्यूटो वेन आई आस्ट यू ठीक है इस तरह ही हैड ऑलरेडी वॉकड शी हैड टॉक्ट टू मच इट हैड रन वेरी फास्ट पास अभी हम बात कर रहे हैं सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस की दे हैड ऑलरेडी क्लीनड वी हैड लर्न टू स्पीक इंग्लिश अब नेगेशन के लिए सिर्फ हैड आएगा हर हाँ जगह पे हैड आएगा आई हैड नॉट वर्कड इन अ कंपनी आई हैडेंट वर्क इन अ कंपनी यू हैवेंट की जगह हम यहाँ पे लगा देंगे यू हैडेंट वॉच माई ट्यूटोरियल तुमने मेरे ट्यूटो नहीं देखे दे, तुम मेरे टूटोरियल नहीं देख चुके थे जब मैंने तुमसे पूछा ठीक हैडेंट टॉक टू मच उस बिचाई ने क्या बात की थी यार कोई बात नहीं की थी उसने उस वक्त तक शी हेड एंड टॉक टू मच ंटिल मैंने उसे कुरेदना शुरू किया अंटिल आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन उसने उस वक्त तक बहुत ज्यादा बातें नहीं कर चुकी थी वो बंदी आई स्टार्ट क्वेस्ट फिर जो शुरू हुई ना चुप ना हुई ठीक है इट हैड एंड टर्न वेरी फास्ट देड नॉट बी अप

Had, it run very fast? है. है. Had they already cleaned? Had we learned to speak English? अब चलते हैं अपने हम next uh, tense की तरफ जो कि है future simple tense। ठीक है future simple tense के लिए क्या करें Shortcut कर मारे जी मारते हैं वही क्योंकि सिंपल है ना कॉपी पेस्ट मारना आसान है आपका भी टाइम बचेगा मेरा टाइम भी बचेगा ऐसे टाइम ज्यादा होता जा रहा है अब पता नहीं अब कितने लोग रह गए होंगे है चलो अच्छा तो अब हमारा आ गया है जी सॉरी फ्यूचर सिंपल टेंस यानी कि फ्यूचर में मैं कोई काम करूँगा आई विल वर्क इन अ कंपनी मैं एक कंपनी में काम करूंगा ट्यूटोरियल जरूर देखे तुम तो मेरे ट्यूटोरियल्स जरूर देखोगे you will watch माई tutorials. वो शाम में आएगा फिर देखेंगे फिर उसकी पिटाई लगाएंगे विल वॉक इन इवनिंग इन द evening. वो बहुत बोलेगी शी विल टॉक टू मच ठीक है अब ये देखें, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि हम अभी पास्ट से क्या हुआ प्रेजेंट में और उसके बाद हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर की बात करें तो इस वजह से हम विल लगा रहे हैं ठीक है शी विल टॉक टू मच वो बहुत तेज भागेगा देखिए ये ये गाड़ी बहुत तेज भागेगी इट विल रन वेरी फास्ट वो सफ सफाई करेंगे फिक्र ना कर दे विल क्लीन हम इंग्लिश बोलना सीख लेंगे सीखेंगे वी विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश ठीक है अब उसी का नेगेशन कर लेते हैं कि ये काम हमने नहीं करने तो ये आ कंपनी इसको आप सिंपल आई वॉन्ट वर्क इन कंपनी भी लिख सकते हैं अमेरिकन इंग्लिश में आस्था पे लोग बोलते हैं यू डोंट वॉच माई मूवीज आप में ये टोरियल्स नहीं देखोगे यू विल नॉट वॉच माई टूटोरियल्स मैं आपको बता रहा हूँ नहीं यार देख लेना हा देख भी लेना लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ही विल नॉट वॉक इन द इवनिंग वो शाम को नहीं आएगा शाम को नहीं वॉक करेगा देखना शी डेंट टॉक टू मच शी विल नॉट टॉक टू मच मेरी गारंटी है वो नहीं बोलेगी यार शी विल नॉट टॉक टू मच वो नहीं साफ करेंगे देख नहीं, नहीं साफ करेंगे हम नहीं इंग्लिश सीख सकेंगे हमने इंग्लिश बोलना सीख सकेंगे वी विल नॉट लर्न टू स्पीक इंग्लिश और इसी तरह क्या मैं एक कंपनी में काम करूंगा काश करू विल है कंपनी विल यू वॉच माई ट्यूटोरियल ये देखना विल ही वॉक इन द इवनिंग है ई सुस्त नहीं करेगा विल शी टॉक टू मच विल इट रन वेरी फास्ट विल दी क्लीन देअ रूम्स Will we learn to speak English? ठीक है और एक और एक दो चीजें आपको बताता चलूँ सिंपल सी के आप ये भी कह सकते हैं आई एम गोइंग टू डू इट फ्यूचर में आपने रेफर करना है तो मतलब आई विल डू इट भी कह सकते हैं आई एम गोइंग टू डू इट टमोरो एक प्लान आप बता रहे हैं कि मैं कल ये काम करूंगा आई एम गोइंग टू डू इट टमोरो तुम कल इसको कंप्लीट करोगे यू आर गोइंग टू इट बाय टमोरो इवनिंग ठीक है तो आप गोइंग टू भी लगा सकते हैं और आ, पुरानी इंग्लिश में ब्रिटिश इंग्लिश में आप शेल भी यूज करते थे शेल हम उस वक्त यूज करते थे जब हम हंड्रेड परसेंट शोर नहीं होते थे आई विल हेल्प यू मैं हम जरूर आप तुम्हारी मदद करूंगा आई शेल हेल्प यू यानी कि आई विल प्रोबली जो अमेरिकन इंग्लिश में हम कहते हैं ना प्रोबली तो उसके लिए ब्रिटिश इंग्लिश में हम फिर यूज करते हैं आई शेल हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद शायद करूंगा आई विल प्रोबली हेल्प यू तो ये दोनों सेम है <coughs> अच्छा जी अब हम देखते हैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ कॉपी कर लू आई विल नॉट बी वर्किंग चलें ठीक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस करने के लिए कॉपी <coughs> हो जाओ थक गए यार चलो फेर. अच्छा फ्यूचर बस पांच मिनट और फिर आपकी भी छुट्टी मेरी भी छुट्टी हाँ कॉन्टिन्यूस टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ये है फ्यूचर में मैं ये काम कर रहा हूंगा जब तुम आओगे यार तुम कल क्या कर रहे हो गे बारह बजे मैं कल बारह बजे सो रहा ठीक है यानी कि या आपने टाइम पीरियड के साथ बताना है कि आप उस वक्त क्या कर रहे होंगे तुम कंपनी में काम कर रहे होगे दो साल बाद नहीं आई विल नॉट बी वर्किंग इन अ कंपनी इन फ्यूचर आई विल नॉट बी वर्किंग इन योर कंपनी इन फ्यूचर आई विल नॉट आई विल नॉट बी वर्किंग इन अ कंपनी यू विल नॉट वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स ही विल नॉट वॉकिंग यू विल नॉट बी आप लगा दें ठीक है यू विल नॉट बी यू विल मैं नॉट क्यू लगाई जा रहा हूं आई विल भी वर्किंग पहले तो मैं करूंगा ना यार ठीक है आई विल बी वर्किंग यू विल भी वॉचिंग ठीक है आप देख रहे होंगे मेरे टूटोरियल्स कल बारह बजे यू विल भी वॉचिंग माई टूटोरियल्स ही

लर्निंग इंग्लिश एट दैट टाइम जब तुम आओगे तो हम इंग्लिश सीख रहे होंगे अब इसी चीज को जो है हम नेगेशन में कर देते हैं इसकी नेगेशन बहुत आसान होती है सिर्फ आपने नॉट लगाने हैं हर चीज के आगे आई विल आई वॉन्ट भी आप कह सकते हैं आई विल नॉट बी वर्किंग इन अ कंपनी यू विल

लर्निंग ठीक है और सवालियन इन उसके लिए जुमलों के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम कहेंगे विल आई बी वर्किंग इन अ कंपनी विल यू बी वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स क्या तुम मेरे ट्यूटोरियल्स देख रहे होगे विल ही बी Walking in the evening, will she be talking too much? Will it be running very fast? Will they be cleaning? Will we be learning to speak English? और ये था हम आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बाद बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसको हम कॉपी करते हैं ये फ्यूचर सिंपल के सेंटेंसेस ताकि अब जल्दी से हम ये खत्म करें काम आप भी थक गए होंगे बोर हो गए होंगे हाँ मैं भी थक ही गया हूँ तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है सॉरी वो है फ्यूचर में आपने काम उस वक्त की कर रहे होंगे आई विल हैव वर्कड जब तुम आओगे ठीक है जब तुम आओगे तो मैं ये काम कर चुका होऊंगा, ठीक है आई विल हैव वर्क इन अ कंपनी बाय 2020. 2020 से पहले तो मैं कर, किसी ना किसी कंपनी में तो काम कर चुका होऊंगा, ना है सही है ना यू विल ट्यूटोरियल्स यानी कि तुम पे ट्यूटोरियल्स देख चुके होगे. सोने से पहले यू विल हैव वॉकड इन द इवनिंग शी विल हैज हैज शी शी विल विल नहीं हैव ही आएगा ठीक है तो सिर्फ प्रेजेंट में आता है हैज और हैव का डिफरेंस बाकी फ्यूचर में भी आसानी है शी विल हैव टॉक टू मच टॉकड टू मच ठीक है अभी देखें कि इसकी थर्ड फॉर्म आ रही है वॉब्स की इट विल हैव रन वेरी फास्ट दे विल हैव क्लींड द रूम वी विल हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश आई विल हैव नॉट वर्कड इन अ कंपनी You will have not watched my tutorials. He will not have walked in the evening. She will have not talked too much. I will not have run very fast. It will not have run very fast. They will. Have, have no, have sorry. They will will not not cleaned. He learnt learnt his lesson. Or learnt to speak English. और इसी तरह आप जो है सवालिया निशानों के लिए सवालिया जुमलों के लिए विल आई हैव worked इन अ कंपनी ठीक है आप देखते जाए वर्क के साथ अब मैं रेगुलर वर्क के साथ ई डी लगा रहा हूँ will you have will i have will you have huh will you have watched my tutorials will he has yeah, will he have will he have will he have walked in the evening will she have talked too much

फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छा तो उसके लिए फिर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में से को कॉपी कर लेता हूँ उसके एग्जाम्पल्स को ताकि हम जल्दी जल्दी डिस्कस करके इस चीज़ को ख़त्म करें सिंपल हमने सेंटेंसेस ही बनाने हैं। चलो जी लास्ट यस यस नंबर बारवा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर में हमने बात करनी होगी आई विल हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर टू इयर्स जब मेरी शादी होगी खाना बर्बादी होगी उस वक्त में दो साल तक काम कर चुका हूंगा कंपनी में ठीक है ये एग्जाम्पल थी आई विल फॉर टू ईर्स वेन आई विल गेट मैरी यानी के एक कंटिन्यूस सेक्शन, बड़ा एक्शन कंटिन्यू होता जाएगा मैं दो साल काम कर चुका हूँ फिर मेरी शादी होगी और मैं फिर काम ही करता रहूंगा ठीक है यानि फ्यूचर में वो एक्शन चल रहा होगा छोटा एक्शन होगा शादी का और फिर मैं बड़ा एक्शन करता ही रहूंगा यानी कि मैं काम ही करता रहूंगा और इसी तरह आई विल हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी

will have been running very fast for last 10 minutes they will have been cleaning since last night we will have been learning to speak English for one month जब कोई और काम होगा when जो भी आगे कहानी है हर चीज के साथ आपने आगे कहानी लगानी है अब हम इसकी negative form देख लेते हैं किसकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो कि है आई विल हैव बीन आई विल हैव नॉट बीन ठीक है ये उधर गलती की हुई है ना आई विल हैव नॉट बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर टू इयर्स आई विल हैव नॉट बीन वर्किंग इन अ कंपनी सिंस 2025 क्योंकि टर्मिनेटर फ्यूचर से आएगा You will have not been watching my tutorials for last two hours. You won't. Won't. He will. Has not been walking since morning. Yeah for four hours. She will. It's a has, she he will have. She will have not been talking too much for last 30 minutes it will have not been running very fast for last 10 minutes they will have not been cleaning since last night we will have not been learning to speak for one month when स्पेनिश विल बिकम द इंटरनेशनल लैंग्वेज इस इसमें कुछ कह सकते हैं अच्छा जी विल आई अभी देखें इसका जो इंटीग्रेटिव फॉर्म है उसमें थोड़ी सी चेंज आ रही है विल आई हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर टूर इयर्स और विल है बाद में चला जाएगा विल आई हैव been working in a company since 2015 will you have been okay? will he has will he have been working since morning will she

प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट सिंपल टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस फ्यूचर सिंपल टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस परफेक्टेंस और फ्यूचर परफेक्ट शामिल हैं अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे पूछें इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आई डॉट कॉम पर विजिट करें मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आंटिल देन टेक केयर बाय बाय